हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की कैरी की शेप की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैंने 2 साइज के फोम के फूलों का यूज़ किया है। बड़े साइज के फूल हम बाहर की तरफ लगाते हैं और छोटे साइज के हम अंदर की तरफ लगाते हैं। बीच में इसमें हाफ कट पर लगाते हैं जो पीच कलर के हैं। चोली के ऊपर एक एक पर लगाकर उसके चारों तरफ स्टोन चैन की एक रो लगाते हैं। इस तरह इस ड्रेस को हम बनाते हैं। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ ये ड्रेस आपको कैसी लगी। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरी की शेप की ये टैट्रोन पे डिज़ाइन काटते हैं। ये मैंने पेस्टिंग वाली टैट्रोन ली है। इस डिज़ाइन को काटने के लिए हम एक राउंड बनाते हैं 8 इंच का। ये हमारा 8 इंच का एक राउंड होता है, राउंड 8 इंच का राउंड होता है। उसके ऊपर हम ये कैरी की तरफ से ये 10 इंच का होता है। हम इसे फोल्ड करते हैं तो हमारा ये राउंड रहता है। राउंड के ऊपर हाफ करने के बाद इस तरह हम इसमें एक्स्ट्रा करके डिज़ाइन बना लेते हैं तो हमारी कैरी शेप डिज़ाइन बन जाती है। और इसे इस तरह हाफ करके बीच में हम 1 इंच से कम लेते हैं, इसको 1.5 इंच लेते हैं, लगभग 1.5 इंच लेते हैं तो ये हमारा लगभग 1.5 मीटर का डायमीटर में सेंटर में कट जाता है। तो इस टैट्रोन के ऊपर मैं ये डार्क कलर का पीच कलर का कपड़ा लिया है मैंने। ये इसके ऊपर मैं पेस्ट कर लेती हूँ, पीछे की तरफ सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लेती हूँ। चोली बनाने के लिए हम ये पतली वाली पेस्टिंग वाली टैट्रोन लेते हैं। ये मैंने 11 इंच लंबाई में ली है और 1.5 इंच से मैंने चौड़ाई में ली है, क्योंकि हम इसे शुरू में ही अपने घेरे पे सिलाई मशीन से इसे अटैच करेंगे। तो हम शुरू में ही अपनी घेरे के साथ चोली को भी बना लेते हैं। इसे भी मैं अपने कपड़े से पेस्ट कर लेती हूँ, पीछे की तरफ सिंपल कपड़े से इसे पेस्ट कर लेती हूँ। इस तरह हमने अपनी टैट्रोन को पेस्ट कर लिया कपड़े पे। पीछे की तरफ मैंने सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया है, सेंटर में से राउंड काट लिया है और इसे साइडों में से मैंने टिश्यू रिबन, गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन से इसे सिलाई मशीन से लगा लिया है। इसी तरह हमारी जो चोली की पट्टी है उसके ऊपर भी मैंने कपड़ा पेस्ट कर लिया है और दोनों तरफ टिश्यू रिबन सिलाई मशीन से लगा लिया है। जो हमारा साटन का कपड़ा होता है साइड में धागे निकलते हैं, इन्हें हम सिक्योर कर लेते हैं। तो मैंने इस तरह से सिक्योर कर लेते हैं। इस तरह में से पूरे को सिक्योर कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसे चारों तरफ से सिक्योर कर लिया। जो हमारी चोली की पट्टी है इसके हम 2 पीस कर लेते हैं। 2 पीस करने के बाद इसे आगे की तरफ यहाँ से हम 1 इंच पे सिलाई लगा लेते हैं और साइड में बाजू पे 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह हमारी ये चोली को हम पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमने अपनी चोली कंप्लीट कर ली। अब इस चोली को हम शुरू में ही अपने इस घेरे के ऊपर सिलाई मशीन से इस तरह राउंड में धीरे धीरे अटैच कर लाते हैं। तो मैं इस चोली को इस राउंड पे अटैच कर लेती हूँ। इस तरह मैंने अपने घेरे पे इस चोली को अटैच कर लिया है। अब हमारा घेरा कुछ इस तरह से बन जाता है। अब इस घेरे के चारों तरफ हम 1/2 इंच के ऊपर, 1/2 इंच के लाइन के ऊपर एक, सॉरी 1/2 इंच पे एक लाइन खींच लेते हैं चौक से। लगभग 1/2 इंच इस तरह निशान लगा के मैं हल्के हल्के से एक चौक से लाइन खींच लेती हूँ। इस तरह सभी जगह निशान लगा के अपनी लाइन को इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अब
जो हमने लाइन बनाई है उसके इधर की तरफ हम फ्लावर लगाते हैं फोम के। फिर मैंने ये दो कलर के फ्लावर लिए, ब्लू और पीच कलर के फ्लावर लिए। ये फ्लावर मैं इस रो के अपने घेरे के इधर की तरफ इन्हें ग्लू गन की हेल्प से चिपका देती हूँ। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले कोने के ऊपर इस वाले कोने पर ब्लू कलर का लगाते हैं। इस तरह लगाते हैं हम सभी जगह ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने सभी जगह ये फ्लावर लगा दिए। फ्लावर लगाने के बाद जो हमने चौक से लाइन की थी उस लाइन के ऊपर हम इस तरह के राउंड शेप के हाफ पर लगाएंगे। ये पीच कलर के, तो ये इन्हें मैं फेविकोल से या आप फेविकोल से फैब्रिक ग्लू से या हॉट ग्लू किसी से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेविकोल से इन्हें लगाती हूँ। हमारी रो है इसको ऊपर से शुरू करते हैं। इस तरह स्टोन की रो लगाते हुए भी हम सॉरी पल की रो लगाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह स्टोन की मैंने ये सॉरी पल की ये दो रो कंप्लीट कर ली। अब दो रो कंप्लीट करने के बाद वापस से मंदिर की तरफ फोम के फ्लावर लगाते हैं। लेकिन अब ये हम जो फोम के फ्लावर लगाएंगे जो हमारे इस वाले साइज से थोड़े छोटे फ्लावर हैं, तो अंदर की तरफ हम छोटे फ्लावर लगाते हैं बाहर की तरफ बड़े लगाते हैं। अंदर की तरफ मैं इसमें छोटे फूल लगा देती हूँ। इस तरह मैंने ये फ्लावर की सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा खुल रहा है और पीछे की तरफ थोड़ा सा घेरे का ये हिस्सा रह जाता है। इस हिस्से पे हम वापस से अपने ये पर लगा लेते हैं पीच कलर के। तो ये मैं लगा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हमने सभी जगह आगे की तरफ और साइडों में स्टोन लगा के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया। इस तरह हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो जाता है। अब चोली के ऊपर भी हम एक एक स्टोन लगाते हैं और उसके चारों तरफ हम स्टोन चैन लगा के चोली को भी डेकोरेट करते हैं। इस तरह लगाते हुए हम चोली के नीचे स्टोन चैन का छोटा सा टुकड़ा हम खुला छोड़ देते हैं। इस तरह हमारे छोटा से हिस्सा इस तरह हमें खुला छोड़ देते हैं। इस तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं और अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने चोली पे दूसरी तरफ भी अपना पर लगा के चारों तरफ स्टोन चैन लगा लिए। इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह की बनती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।